है एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो गाइस, अगेन आज मैं बैक हैंड की चेक्स में डिज़ाइन आपके साथ अगेन शेयर करने वाली हूँ। जो प्रीवियस मेरी दो डिज़ाइन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की, इसीलिए मैं एक न्यू वेरिएशन में इस न्यू कॉन्सेप्ट के साथ क्रिएट कर रही हूँ। सो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थोड़ा सा न्यू एलिमेंट के साथ ये फ्लावर को मैंने यहाँ पर बनाया है और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर मैं इसे स्क्वायर बनाऊंगी और स्क्वायर के बाद मैं इसे ऊपर की तरफ हमारे बोल्ड वाले लीव्स को इस तरीके से क्रिएट करूंगी। आपको बोल्ड लीव्स बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट करने हैं और अच्छे से इसे बॉर्डर लाइन भी आपको करनी है। लीव्स क्रिएट हो जाने के बाद अगेन मैं दूसरी साइड पर भी इसे क्रिएट करूँगी ताकि ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आए। अब मैं यहाँ सेकेंड लाइन इस तरीके से थिन लाइन को कम्प्लीट करूँगी और साथ में मैं अगेन इसे हमारे फ्लावर को मैं लीव्स के साथ थोड़ा सा इसे कवर करूँगी ताकि हमारा जो फ्लावर है वो बेसिकली एकदम से हाईलाइट हो। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं हम्स को कर रही हूँ क्रिएट। हम्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आएंगे। हम्स इसलिए कि हमारी जब चेक्स की डिज़ाइन हम क्रिएट करें तो ये हमारे एलिमेंट से थोड़ा सा सेपरेट नज़र आए। हमारे चेक्स और हमारी जो बंच की डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेपरेट नज़र आए, इस वजह से मैंने यहाँ पर हम्स को बनाया है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने बॉर्डर लाइन को इस तरीके से क्रिएट कर दिया है और ऊपर की तरफ गाइड लाइन को भी कंप्लीट किया है ताकि इससे ऊपर हमें चेक्स को क्रिएट ही नहीं करना है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। अब मैं बैक हैंड पर इस तरीके से विजिबिलिटी के साथ मैं करूँगी शेडिंग। शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको विजिबिलिटी के साथ करनी होती है। अगर आप लाइट करोगे तो जब कलर आएगा तो एक ही वॉश में आपके क्लाइंट ही आपके हैंड से वो रिमूव हो जाएगा। एज यू कैन सी कि यहाँ पर मैं शेडिंग को कंप्लीट करके बोल्डनेस को कंप्लीट करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे हमारे फिलर एलिमेंट को फिल कर दूँगी। आप चाहो तो आप कोई से भी फिलर एलिमेंट फिल कर सकते हो, लेकिन हम्स बहुत ज़्यादा हैवी लगते हैं तो हम्स की डिज़ाइन को हम बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर हमारी बोल्डनेस की डिज़ाइन को कंप्लीट करूँगी ताकि हम आगे की तरफ हमारी डिज़ाइन को एक्सटेंड कर पाए। बेसिकली यहाँ पर मैं एक हाफ मेहंदी की डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप इसे ऊपर की तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हो, बना सकते हो, लेकिन मैं इसे इस तरीके से हाफ पोर्शन में ही क्रिएट करूँगी। अगर आपको और ज़्यादा ऊपर की तरफ बनानी है तो आप एक बंच ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक और हमारा ब्यूटीफुल रोज़ फ्लावर के साथ हमारी डिज़ाइन को बनाऊंगी। ये एक बहुत ही यूनिक रोज़ फ्लावर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यू कैन सी कि इसकी लाइंस कितनी ज़्यादा नेचुरल है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अगेन मैंने यहाँ पर हमारी लीव्स को बना दिया है। लीव्स को बनाने के बाद अब हम दूसरी तरफ भी इस लीव्स को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। एज यू कैन सी, लीव्स बनानी अगर नहीं आती हो तो आप इसे सेपरेटली ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। ये मेहंदी डिज़ाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पे बॉर्डर लाइन दे दी है हमारे एलिमेंट्स में। एज यू कैन सी, आपको भी इसी तरीके से प्रॉपरली बॉर्डर लाइन को क्रिएट करना है और ऊपर की तरफ मैंने हमारे हम्स की लाइन को भी अच्छे से क्रिएट कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे हम्स को बना रही हूँ। बेसिकली अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा ऐसा बंच क्रिएट करूँगी जिसमें मैं सारा एलिमेंट्स लूँगी
हमारे लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ। तो और यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से हमारा हार्ट शेप को बना दिया है। हार्ट शेप बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव नज़र आते हैं, पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हार्ट शेप क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ पर थोड़ी डिज़ाइन एक्सटेंड करूँगी, इसलिए मैंने बोल्ड फ्लावर को बना दिया है। और बोल्ड फ्लावर को मैं अंदर की तरफ से लाइंस क्रिएट करके बाहर की तरफ से बोल्ड कर दूँगी। और यहाँ पर मैं लीव्स को बना रही हूँ हमारे हार्ट शेप के बाहर साइड पर। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से रोज़ की कली को क्रिएट कर रही हूँ। थोड़ा बंच हम सेकेंड लास्ट फिंगर की तरफ यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं। थोड़े ग्रासेस मैंने यहाँ पर बना दिए हैं और उसी के साथ एक और हमारी रोज़ की कली को मैं यहाँ क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी फ्लावर भी आप बना सकते हो, सेम रोज़ को भी क्रिएट कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। बेसिकली हमें क्या करना है कि लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना है, और जब हम चेक्स क्रिएट करें तो उसकी जगह हमें अच्छे से सेपरेट कर देनी है ताकि सारे मर्ज ना हो जाए हमारे डिज़ाइन। अब मैं यहाँ पर रेजिडुअल शेडिंग कर दूँगी, और शेडिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर हमारे चेक्स को बनाएंगे। अगर आप लोगों को भी इस तरीके की डिज़ाइन और भी ज़्यादा पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके शेयर करिएगा, ताकि मैं इस तरीके से और भी डिज़ाइन आपके साथ क्रिएट कर सकूं, आपके साथ शेयर भी कर सकूं। और मैंने इस तरीके की सेम डिज़ाइन, जो चेक्सिस की डिज़ाइन आप लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आती है, उस डिज़ाइन में मैंने ब्राइडल फिट मेहंदी की फुल डिज़ाइन भी अपलोड की हुई है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये फिट मेहंदी डिज़ाइन में भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आती है, जैसे कि आप देख सकते हो कि अब मैंने यहाँ फर्स्ट फिंगर को भी हाफ इस तरीके से एम्बोस कर दिया है। और अब इसे मैं यहाँ पे सेपरेटली अच्छे से फिल करेंगे हम। और उससे पहले हम यहाँ पे हमारे थंब की साइड पर भी एक फ्लावर को बनाएंगे, बिकॉज अगर वहाँ हम फ्लावर क्रिएट नहीं करेंगे तो चेक्स की डिज़ाइन वहाँ बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और शायद आप ना क्रिएट कर पाओ या आपकी फिनिशिंग ना आ पाए। सो इस वजह से हमें इस तरीके से बहुत ज़्यादा चेक्स का और हमारे बंच का डिस्टेंस नहीं रखना है। अब मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। एज़ यू कैन सी कि अब हमने यहाँ पर इस तरीके से हमें चेक्सिस की लाइन को कंप्लीट कर दिया है और इसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। हाफ इस तरीके से आप चेक्स को क्रिएट कर लो, उसके बाद हमें इसे साइड की तरफ से भी लाइंस को क्रिएट कर देने हैं। और अब यहाँ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको एक के बाद एक इस तरीके से हमारे चेक्स को फिल करना है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, अगर आपका एक भी चेक्स अनइवनली क्रिएट हो जाएगा तो आपकी डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं नज़र आएगी और उसे बाद में फिक्स करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट में आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करें। अब हमारे चेक्सिस ऊपर की तरफ के कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे हमारी फिंगर की तरफ और हमारी पाम की तरफ के चेक्सिस अगेन यहाँ पे बना रहे हैं। सेम टेक्निक के साथ ही हम क्रिएट कर इस पैटर्न से रिलेटेड टेक्निक्स और पूरी इंस्ट्रक्शन मैंने पहले के प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सो आप ज़रूर वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। या अब हम यहाँ पर हमारी सारी फिंगर के डिज़ाइन और सारे बचे हुए एरिया में चेक्सिस को बना के हमारे डिज़ाइन को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे।
अगेन हम यहाँ पे हमारी बने हुई चेक्स के डिज़ाइन को थोड़ा सा ड्राई आउट होने देंगे, और ड्राई आउट होने के बाद हम इसे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल नज़र आएगी। आप डायरेक्टली चेक्सेस को क्रिएट करके उसे डायरेक्टली ड्राई आउट होने के बिना आप ना फील करें, अदरवाइज़ वो स्प्रेड हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारी फुल डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे हमारे हार्ट शेप को थोड़ा सा बोल्ड करेंगे ताकि और अट्रैक्टिव नज़र आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव डिज़ाइन के साथ। थैंक यू सो मच।